बहुत स्मार्टली खेल गया कप्तान। आखिरी डेडलाइन थी, कौमी असेंबली का इंतहाई अहम इजलास जानबूझकर आखिरी वक्त तक खींचा गया। आखिरी बॉल, आखिरी चाल, आखिरी घंटा और आखिरी पता, सब परेशान थे क्या होने जा रहा है। साहब की जंग थी, सारा दिन गुजर गया। बात आखिरी लम्हों तक पहुंच गई। जो अब तक पसे पर्दा छुपे बैठे थे उन्हें मजबूरन सामने आना पड़ा, एक्सपोज होना पड़ा। आखिरी घंटे में सब एक्टिव हो गए। छुट्टी के दिन अधी रात को अदालतें खुल गईं। सारी अपोजिशन अधी रात तक कौमी असेंबली में बैठी रही। वजीरे आजम हाउस में हेलीकॉप्टर पहुंचे, कैदियों वाली गाड़ियां पहुंची, लॉ एनफोर्समेंट हरकत में आई और सब कंट्रोल किया जाने लगा। यही वो टाइम था जिसके लिए कप्तान ने इतनी लंबी हिसाबी जंग लड़ी, इतनी ज्यादा मेहनत की। कप्तान ने मीडिया को बुलाया, सोशल मीडिया पे सब लाइव जा रहा था, अंदर की खबरें बाहर आ रही थी। कप्तान ने मानी खेज मुस्कुराहट के साथ पूछा, और कोई रैत नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो, मतलब कोई रैत नहीं गया जो वाजे तौर पे कौम के सामने एक्सपोज ना हुआ हो। साफियों ने कहा, जी नहीं। उठा, डहरी उठाई, कमरे से निकलते निकलते विक्ट्री का निशान बनाया, घर की तरह रवाना हुआ। बजायर हार के जा रहा था मगर हकीकत में यही उसकी जीत थी। सबको बेनकाब करके जा रहा था, वो कौम को असल मुजरिम दिखा के जा रहा था। उसका मकसद पूरा हुआ। 75 सालों से पर्दे के पीछे बैठे असल हरकारे कौम के सामने एक्सपोज हुए, यानी उसकी जीत थी और यही उसका मास्टर स्ट्रोक था। इमरान खान, कौम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेगी। मार के भी जीत गए, इंशाल्लाह तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। पाकिस्तान किसी की गुलामी में नहीं आएगा, ये कौम आजाद हो चुकी है। हाँ जी।